हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन में। दोस्तों, मैं सागर, आज आपके सामने भूगोल का एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है महासागर, जिसे हम बोलते हैं ओशियंस। आज इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सब इसके अंतर्गत आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं महासागर के बारे में, ओशियंस के बारे में। तो सबसे पहले महासागर जो है, महासागर जिसे हम ओशियंस बोलते हैं, पृथ्वी पर महासागर जो है 71% भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी पर महासागर 71% भाग घेरे हुए है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख पांच महासागर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रशांत महासागर, दूसरा बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, और पांचवा क्या हो गया, अंटार्कटिक महासागर। तो पांच महासागर जो है विश्व में सबसे ज्यादा प्रमुख है, पहला क्या हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, और पांचवा क्या हो गया, अंटार्कटिक महासागर। पहला बात करते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। तो यह एशिया ऑस्ट्रेलिया, क्या हो गया, यह एशिया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच फैला हुआ महासागर है। कहां कहां, यह एशिया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच फैला महासागर है। दूसरा अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है, तो ये महासागर जो है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। सबसे बड़ा और गहरा महासागर क्या है, प्रशांत महासागर है। तीसरा बात करें फ्रेंड्स, तो रिंग्स ऑफ फायर क्षेत्र प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र है। तो रिंग्स ऑफ फायर जो क्षेत्र है ये क्या है, प्रशांत महासागर में है, और ये प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखीय व भूकंपीय क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करें तो सबसे गहरा स्थान जो है पैसिफिक ओशियन में प्रशांत महासागर में क्या है, मैरियाना ट्रेंच है, जिसे हम लोग चैलेंजर गर्त के भी नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। तो फ्रेंड, सबसे गहरा स्थान क्या है प्रशांत महासागर में, तो सबसे गहरा स्थान जो है प्रशांत महासागर में मैरियाना ट्रेंच है। इसके ऊपर से आप मैरियाना ट्रेंच के बारे में सुने होंगे, अगर इसके बगल से कोई भी जहाज गुजरता है तो मैरियाना ट्रेंच क्या करती है, तो अपने ओर खींच लेती है और समुद्र के अंदर क्या करती है, कहीं तो निकल जाती है। और ऊपर से अगर आसमान से भी कोई एयरप्लेन अगर मैरियाना ट्रेंच के ऊपर से जा रहा है तो वो उसके अंदर घुस जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा मैग्नेटिक उसमें फोर्स रहता है, चुंबकीय बल है वहां पे, और इसे हम लोग चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं। अगला बात करें तो प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की क्वींसलैंड, क्या, पूर्व की क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। तो प्रशांत महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। यहां मूंगे की चट्टाने पाई जाती है, प्रशांत महासागर में मूंगे की चट्टाने पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। प्रशांत महासागर में मूंगे की चट्टाने पाई जाती है जिसे कोरल रीफ हम कहते हैं। यह विश्व की सबसे बड़ी क्या है, प्रवाल भीति है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो कोरल रीफ जो है प्रशांत महासागर में पाई जाती है, और ये सबसे बड़ी विश्व की क्या है, प्रवाल भीति है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पे, अटलांटिक महासागर पे। सेकंड नंबर का महासागर जो है अटलांटिक महासागर जिसे बोलते हैं, इसे अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अंध महासागर भी कहते हैं, अंध महासागर भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ सकते हैं कि अंध महासागर किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, अटलांटिक को कहते हैं, अटलांटिक महासागर को। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो ये विश्व का दूसरा, किसका, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। पहला कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। सबसे गहरा स्थान क्या है, प्यूर्टोरिका गर्त है। तो सबसे गहरा स्थान अटलांटिक महासागर में क्या है, प्यूर्टोरिका गर्त है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे सार गैसो सागर कहते हैं। तो इस ये महासागर जो है, इस महासागर अटलांटिक महासागर के उत्तर की ओर शांत और स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, सार गैसो सागर कहा जाता है, ठीक है। ये इसी में क्या है, बरमूडा ट्रायंगल भी है, इसी में क्या है, बरमूडा ट्रायंगल भी है, ठीक है, जिसे डेविल्स ट्रायंगल कहते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हिंद महासागर का। हिंद महासागर बात करें दोस्तों, तो हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। क्या है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर। फ्रेंड्स, यहाँ जो हिंद महासागर में आएंगे उसके पहले एक चीज बताया था, बरमूडा ट्रायंगल और मारियाना ट्रेंच से पहले बताया था इसमें प्रशांत महासागर में। तो मैंने मारियाना ट्रेंच के बारे में बता दिया था कि वो ऐसा स्थान जहां शिप्स और सबसे गहरा स्थान होता है प्रशांत महासागर में, लेकिन इसमें उसमें मैंने ये बता दिया था कि वहां क्या होते जहाज और शिप जाके विलुप्त हो जाते, तो वो गलत था, वो नहीं होगा, उसमें मैं माफी मांगता हूँ। बरमूडा ट्रायंगल वो ऐसा जगह है जहां अगर उसके ऊपर से अगर शिप गुजर रहा है तो उसके अंदर चला जाएगा,
और अगर वहां पे नाव चल रही है तो उसी में क्या हो जाएगा, पानी के अंदर चला जाएगा, वहां मैग्नेटिक पावर कुछ ज्यादा होता है। तो मरियाना ट्रेंच में नहीं होगा, ये होगा बरमूडा ट्रायंगल में, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पर चलते हैं, हिंद महासागर है तीसरा सबसे बड़ा महासागर, ये क्या है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। सबसे गहरा स्थान यहाँ का क्या है, सुंडागर्द, सबसे गहरा स्थान है जिसका नाम क्या है, सुंडागर्द, क्या चीज में, हिंद महासागर में। पहले इसका नाम क्या था, जावा था। स्थित कहां पे है, स्थित अगर बात करें तो दक्षिणी एशिया के नीचे अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है क्या, हिंद महासागर। नेक्स्ट बात करते हैं आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर बात करें, सबसे छोटा महासागर है ये आर्कटिक महासागर, सबसे छोटा महासागर है। इसे छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां साल में अधिकांश समय बर्फ जमा रहता है, इसलिए इसे कहते हैं छिपता हुआ महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा जो होगा प्रशांत महासागर होगा, प्रशांत महासागर प्रशांत आएगा, फिर आपका आ जाएगा अटलांटिक, आ जाएगा अटलांटिक महासागर आ जाएगा, फिर आपका हिंद महासागर आ जाएगा, हिंद महासागर, और देन आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बढ़ते घटते क्रम में यही, और गहराई की दृष्टि से भी प्रशांत महासागर सबसे गहरा है, उसके बाद अटलांटिक है, फिर हिंद है, फिर आर्कटिक महासागर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था आपका महासागर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि मैंने आपसे डिस्कस किया। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी जो कि मैंने आपको बता दिया, मरियाना ट्रेंच की जगह बरमूडा ट्रायंगल जो है वो ऐसा जगह है जहां पे जहाज और पानी के जहाज और हवा के जहाज जाके विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर सबसे गहरा स्थान है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका सागर संबंधित कुछ थ्योरी और कुछ वैसे क्वेश्चन मैंने बताया जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। थैंक यू।